हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि गूगल क्लासरूम में आया हुआ असाइनमेंट कैसे रिसीव करना है और उसको कंप्लीट करने के बाद उसको अपलोड कैसे करना है। तो उसकी पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। आपको मोबाइल में जो गूगल क्लासरूम डाउनलोड किया हुआ है उसको ओपन करना है। अब यहाँ पर एक भी गूगल क्लासरूम में जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा तो वो आपको जिस भी क्लास में आएगा वहां पर आपको नीचे भी नोटिस आ जाएगा। या दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उस क्लास को ओपन करके भी वहां पर असाइनमेंट में देख सकते हो। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी तक किसी क्लास में कोई भी अनाउंसमेंट आया नहीं है, और अनाउंसमेंट आएगा तो कैसा दिखेगा। अनाउंसमेंट आते ही आपको यहाँ पर देखो, आपका जो MN क्लास है, ओके, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसमें कुछ अनाउंसमेंट आया है, केमिस्ट्री लिखा हुआ है, ओके। तो मीन्स कि वो आपका कुछ असाइनमेंट आया है, ओके। तो आप उसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो कि न्यू असाइनमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड है वहां पर भी आप देख सकते हो। और दूसरा ऑप्शन होता है कि क्लास वर्क में जाओगे तो वहां पर भी आप क्लास वर्क के अंदर ये असाइनमेंट होगा, ओके। आप दोनों में क्लिक कर सकते हो और जहां पर भी क्लिक करोगे सेम ही ओपन होगा, ओके। अब यहाँ पर आपका ये नोटिस लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट असाइनमेंट ऑन अथवा बिफोर 8 अप्रैल। आपको 8 अप्रैल को जो टाइम दिया हुआ 1 बजे वहां तक आपको असाइनमेंट अपलोड करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन बैंक है उसको हम ओपन करेंगे, तो जो भी क्वेश्चंस है, ओके, वो सारे ओपन हो चुके हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस हमें कोई नोट्स में लिखना है या वर्ड फाइल में लिखना है, ओके। हम नोट्स में लिखेंगे तो उनका फोटो लेके और उसको PDF में कन्वर्ट कर देंगे, कैम स्कैनर है या और कोई दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू। जब भी आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए और PDF में आप कन्वर्ट कर दो, ओके, कैम स्कैनर है या और किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, और जब भी आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको वापस उसी क्लास में जाकर के उस असाइनमेंट में जाना है और वहां पर क्लिक करना है। और योर वर्क लिखा है वहां पर क्लिक करिए। योर वर्क पर क्लिक करोगे आप तो आपका यहाँ पर ऐड अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा। ऐड अटैचमेंट का ऑप्शन है वहां पर आप क्लिक करना है। तो यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है और आप फोटो भी लेके अपलोड कर सकते हो, ओके, डायरेक्टली। लेकिन पॉसिबल है उतना PDF फाइल बना के सेंड करना सबसे बेटर है, ओके। तो फाइल पर अटैच। अब फाइल में रिसेंटली जितनी भी फाइल आपने ओपन की होगी वो भी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर क्लिक करो तो और भी WPS है, ओके, उसमें भी फाइल बनाई होगी तो भी वो आपकी यहाँ पर आप जा करके जगह पर मिल जाएगी फाइल, ओके। लेकिन आपने रिसेंटली उसको ओपन किया होगा तो वो आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे कि यही आपका असाइनमेंट की फाइल है, ओके, तो उस पर क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करोगे तो थोड़ी देर लगेगी और आपका अपलोड होने की प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी। तो फाइल जितनी लार्ज साइज की होगी, ओके, तो उसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, ओके। लेकिन ये हमारी फाइल कंप्लीट अपलोड हो चुकी है, ओके। अब फाइल आपकी कंप्लीटली अपलोड हो चुकी है, तो अब अपलोड करें उससे पहले कमेंट में अपना क्लास, ओके, और अपना जो पूरा एनरोलमेंट नंबर है उसको लिख दें, ओके। इससे कमेंट से आपको चेक करने में फैकल्टी को इजी रहेगा। और इस फाइल को अभी हैंड इन करना है, ओके। हैंड इन पर क्लिक करोगे तो आपकी फाइल यहाँ पर लिखा हुआ आएगा नोटिस पहले कि 1 अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर द केमिस्ट्री, ओके। आप हैंड इन करना है तो, ओके, ये आपको अनसबमिट करना है तो भी आप यहाँ से वापस अनसबमिट कर सकते हो, ओके। और ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपने असाइनमेंट अपलोड कर दिया है और जब वो टीचर चेक कर लेंगे तो आपको कमेंट में, ओके, कुछ लिखेंगे या आपके जो असाइनमेंट है उसके मार्क प्रोवाइडेड करेंगे। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे प्रोवाइडेड करने के बाद में तो आपका इस टाइप का ही ओपन होगा। आपको क्लास वर्क में जाना है, क्लास वर्क में जो आपका असाइनमेंट है उस पर आपको क्लिक करना है, ओके। क्लिक करोगे तो नीचे की ओर देखिए आप योर वर्क में आएगा, ओके। तो योर वर्क में उन्होंने आपको 10 में से 10 मार्क दे दिए क्योंकि आपका असाइनमेंट बहुत ही अच्छा था। तो
इसीलिए आपको 10 में से 10 मिले, और असाइनमेंट अच्छा नहीं होता है तो वो कम भी दे सकते हैं, ओके। और प्राइवेट कमेंट है तो उसमें आपने एनरोलमेंट नंबर लिखा था तो उन्होंने ओके कर दिया है, तो आपका वो भी सबमिट हो गया आपके एनरोलमेंट नंबर के साथ में, ओके। तो ये पूरा जो वीडियो था वो असाइनमेंट को हमें गूगल क्लास में कैसे अपलोड करना है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा और आप अब आसानी से अपना असाइनमेंट को गूगल क्लासरूम में अपलोड कर सकेंगे।